मॉर्निंग साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये वीडियो जो है वो काफी लंबे अंतराल के बाद जारी हो रहा है। आपको एक मैसेज देने की हमने कोशिश भी की थी कि कुछ परेशानियां थी जिसके कारण ये इस बार बहुत अधिक देर हुई है, लेकिन अब हमारी ये कोशिश होगी कि नियमित रूप से वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहे। तो आज का ये जो वीडियो है ये इतना खास है कि आप सबका जो गिला शिकवा होगा, जो शिकायतें होंगी हमसे, ये काफी अधिक देर के बाद, काफी दिनों के बाद वीडियो जारी करने को लेकर के, वो शिकायत आपकी दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एक नायाब चीज लेकर के इस बार द फ्रीडम पर आया हूं। आप सभी को मैं दिखाने जा रहा हूं भगत सिंह की वो कमीज, वो शर्ट जिसे पहन करके भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में, यानी आज के संसद में, बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। ये आपके स्क्रीन पर अभी वो शर्ट नजर आ रही है, ये वही शर्ट है जिसे पहन करके भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, या यूं कहिए कि जिस समय बम फेंका था उस समय यही शर्ट उन्होंने पहन रखी थी। स्पेशल ट्रिब्यूनल के समक्ष सार्जेंट टेरी ने जो बयान दिया था, जो प्रत्यक्षदर्शी था और जिसने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में गिरफ्तार किया था, जिसके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी दिल्ली में, तो उसने भी जो बयान दिया है आप स्क्रीन पर देखिए, अभी उसका बयान प्रोसीडिंग बुक से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उसने वो कहा है कि उस समय भगत सिंह ने खाकी रंग की कमीज और नीकर पहन रखी थी, एक कोट में उन्होंने पहन रखा था, चेक था उस पर, चेक में बना हुआ कपड़ा था और थोड़ा नीला भूरा रंग का वो जैकेट था, कोट था जो उन्होंने पहना हुआ था भगत सिंह ने। तो कोट और जो नीकर है उसका अब कहीं पता नहीं है, दुर्भाग्य से वो खो गए, उन्हें ठीक से संरक्षित नहीं किया जा सका, लेकिन ये कमीज बची हुई है। इस कमीज के बारे में भी हमने पता किया कि आखिर अब ये कमीज कैसे बची रह गई, और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें जो नजर आ रहे हैं शख्स, तो बीच में हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह जो कि भगत सिंह के भांजे हैं, यानी भगत सिंह की बहन बीबी अमर कौर के बेटे हैं। ये शर्ट बीबी अमर कौर के पास थी। जब ये लोग गिरफ्तार हो गए थे तो गिरफ्तारी के बाद फिर इन्हें कैदियों वाले कपड़े दिए गए थे, तो जो कपड़े इन्होंने पहन करके बम फेंके थे वो कपड़े परिवार में लौटा दिए गए थे। तो ये जो शर्ट है इसे संभाल करके रख लिया था अमर कौर जी ने, और फिर अब उनके बेटे जगमोहन सिंह के पास ये शर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार प्रदर्शनी लगाई थी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े जो सामान थे उनके दिल्ली में, तो ये शर्ट उस समय वहां भी रखी गई थी, और उस समय कुछ केमिकल वगैरह इस पर लगाए गए थे ताकि ये शर्ट संरक्षित रहे, जल्दी खराब ना हो, ये हमें जानकारी दी प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने जब हमने उनसे बातचीत की इस शर्ट के बारे में। आप भी सुन लीजिए कि प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने क्या कहा इस शर्ट के बारे में। उन्होंने ये भी बताया कि जो निकर है वो सुशीला दीदी के यहाँ शायद था, लेकिन बाद में वो कहाँ गुम हो गया या कैसे वो नष्ट हो गया उसकी जानकारी नहीं है, और अब वो निकर उपलब्ध नहीं है, न वो कोट उपलब्ध है, लेकिन ये भगत सिंह की वो शर्ट है जिसे पहन करके शहीद आजम भगत सिंह ने बम फेंका था। आप प्रोफेसर जगमोहन सिंह की बात सुने उससे पहले एक और चीज जान लीजिए कि ये वीडियो हम तक पहुंचाया है। इस वीडियो में जो एक और चेहरा दिख रहा है जिनका, वो है द फ्रीडम के बहुत बड़े शुभचिंतक राहुल इनकलाब। तो राहुल इनकलाब गए हुए थे वहां प्रोफेसर जगमोहन सिंह के घर, और उन्होंने ये वीडियो तैयार करके स्पेशल द फ्रीडम के दर्शकों के लिए भेजा है, जी मतलब राहुल भाई के सौजन्य से ये आप वीडियो देख रहे हैं। तो राहुल भाई, आपको द फ्रीडम की ओर से और जो देख रहे हैं तमाम दर्शकों की ओर से आपको भी धन्यवाद। और दर्शकों, आप ये देख लीजिए कि ये कमीज है, और प्रोफेसर जगमोहन सिंह की बात भी सुन लीजिए। तो वो शर्ट वही है ना जिसे पहन करके असेंबली में उन्होंने बम फेंका था? हाँ जी, हाँ जी। ये फुल शर्ट है, फुल बाहों की शर्ट है? फुल बाहों की।
अच्छा, तो साथ में उन्होंने जो सर्जेंट टेरी का बयान है उसमें ये भी है कि निकर पहने हुए थे इसी रंग की, और उस वक्त खाकी निकर थी जी, और एक कोट ऊपर से कोट था, तो वो और कपड़े नहीं मिले, वह तो बट गए क्योंकि सुशीला दीदी के घर में गया था, उनकी तो डेथ हो चुकी, उनके पति थे तो उन्होंने मुझे उनकी निकर की बात की थी जी। कि उनके पास वो निकर थी, ये शर्ट मेरी मदर के पास थी, उन्होंने इस्तेमाल करके थी। तो ये शर्ट कैसे फिर लाई गई थी भगत सिंह के पास से, मतलब वो तो फिर उनके कपड़े जो मतलब जब सजा हुई तो वो फिर पर्सनल कपड़े तो वापस मिल जाते हैं। अच्छा, वो तो घर वालों के पास आए। अच्छा, वहाँ सिर्फ कैदी वो जेल में कैदी के कपड़े पहनते थे। हाँ, फिर उसके बाद आप पर्सनल नहीं पहन सकते। अच्छा जी। नहीं, फिल्मों में प्रायः दिखाया दिया जाता है कि वो अदालत में जाते थे या जेल में भी हैं, तो वो फिर दोबारा उन्होंने मतलब वो क्लेम किया कि वो क्योंकि अंडर ट्रायल है कॉन्स्पिरेसी केस में जी, तो इसके लिए फिर दोबारा उनको अपने कपड़े पहनने का भी था, क्योंकि उसमें जिक्र है ना कि वो बूट और वो कमीज मंगवाई उन्होंने। वो एक्चुअली वो थी कि जब उन्होंने जब भागने का था तो उस वक्त यूज करेंगे। अच्छा। अदरवाइज तो क्योंकि वो सजा याफ्ता थे जी जी। दोनों बीके दत्त और भगत सिंह तो वो तो फिर जेल वाले कपड़े ही पहनते थे, लेकिन जब वो जाते थे अदालत में उस वक्त उनको अपने कपड़े पहन के जानने का था। अच्छा, और ये अभी जो शर्ट है ये आपके पास है? हाँ, ये मेरे पास, मतलब आपकी माताजी से आपके पास? हाँ, क्योंकि उनके उनका मतलब संदूक उसमें और भी चीजें हैं, जैसे वो जो पहला सूट अपनी बहन के लिए लेके गए थे वो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। अच्छा। और दो उनके पास फ्लैग थे, एक तो जो मार्च 1931 में कांग्रेस का फ्लैग नेशनल फ्लैग था, और एक 52 वाला, दो नेशनल फ्लैग भी रखे हुए उन्होंने। अच्छा, वो चीज है जी। तो ये अब तक संरक्षित कैसे है, मतलब प्रायः तो होता है कि पुराने कपड़े हुए तो पुराना होकर के ये खराब हो गया, ये हो गया? नहीं, वो है कि थोड़ा तो उसको मतलब क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तो मैंने ये उनको मतलब वहाँ दिया था, तो उन्होंने ट्रीट करके उसको, फिर ये होता है कि आप मतलब उनको एक संरक्षित तरीके से रखते हैं। आप सुन रहे थे प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने क्या कहा इस शर्ट के बारे में। आप सभी से एक गुजारिश है कि देश के तमाम लोगों को ये शर्ट देखनी चाहिए और उन्हें महसूस शायद हो भगत सिंह और करीब से। भगत सिंह की ये अमूल्य निशानी, अमूल्य धरोहर आप देख रहे हैं। ऐसे भगत सिंह की पिस्तौल भी है हुसैनी वाला में, जहां उनकी समाधि बनाई गई है तो वहां पर उनकी वो पिस्तौल रखी हुई है। साथ ही खटखड़ कला में भी उनसे जुड़े कुछ सामान रखे हुए हैं जो उनका जन्म स्थान है पंजाब में ही। और ये जो शर्ट है ये प्रोफेसर जगमोहन सिंह के ही पास है जिसे आप देख रहे हैं। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को, कम से कम उन सभी को जिनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, जरूर ये वीडियो भेजिए और उन्हें दिखाइए। तो ये वीडियो यहीं तक, आपसे फिर से ये वादा कि अब हमारी कोशिश होगी कि वीडियो नियमित अंतराल पर आपको मिलता रहे। जो भी जितनी श्रृंखलाएं शुरू की गई थी, चाहे वो भगत सिंह का मुकदमा हो या फिर सुखदेव नामा हो या फिर सुभाष चंद्र बोस को लेकर के जो श्रृंखला शुरू की गई थी, उन सबको अब आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। उम्मीद है आपका प्यार और सहयोग पहले की तरह ही बना रहेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, आपके लिए हम लगातार पेश कर रहे हैं अमर क्रांतिकारियों की कहानियाँ। इस अभियान को जारी रखने में द फ्रीडम को आपकी मदद चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कृपया इस अभियान को जारी रखने के लिए मदद करें। द फ्रीडम आपका आभारी रहेगा।